Welcome back, my dear kids, with another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies, Class 2. आज हम अपना chapter number 2 start करेंगे. हमारे chapter का नाम है My Family, मेरा परिवार. परिवार क्या होता है? जिस घर में माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं वह एक परिवार कहलाता है, फैमिली कहलाता है. तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को. सम एंड सब्सटेंस फैमिली. हम इस चैप्टर में फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, मेंबर्स ऑफ स्मॉल फैमिली के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे मेंबर्स ऑफ लार्ज फैमिली के बारे में. रीट्राइव, How many members are there in your family? आपको यहाँ पर बताना है कि आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं. तो आपको number of people यहाँ पर लिखना है. Now we will learn about family. Family क्या होती है? All of us live in a family. हम सब family में रहते हैं. A family is a group of people who live in the same house and are related to each other. Family क्या है? लोगों का वह समूह जो एक साथ एक ही घर में रहता है और वह क्या होते हैं? एक दूसरे से किसी ना किसी रिश्ते से जुड़े होते हैं. Family members live together and always help each other. Family member एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं? हेल्प, मदद करते हैं. दे लव एंड केयर ईच अदर. वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं. आपके परिवार में आपके माता पिता आपकी देखभाल करते हैं, आपसे प्यार करते हैं. आप भी अपने माता पिता का आदर करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं. Now we will learn about members of small family. Small family में कौन कौन से members, कौन कौन से लोग होते हैं. A family that has parents and one or two children is called a small family. वो परिवार जिसमें माता पिता और उनके एक या दो बच्चे रहते हैं वह छोटा परिवार या हम कह सकते हैं small family होती है. Our mother and father are our parents. हमारे माता पिता क्या लगते हैं? हमारे parents लगते हैं. They are the main members of a family. वो परिवार के मुख्य सदस्य हैं. कौन? माता पिता. Sister and brother. Sister और brother कौन होते हैं? Our brother and sister are our sibling. हमारे भाई बहन क्या कहलाते हैं? हमारे siblings कहलाते हैं. Now we will learn about members of a large family. बड़े परिवार के सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे. A family that has grandparents, parents, uncle, aunts and children living together is called a large family. वो परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और बच्चे एक साथ रहते हैं उसे हम लार्ज, बड़ा परिवार कहते हैं. कुछ घरों में चाचा चाची, दादा दादी, माता पिता, बच्चे एक साथ रहते हैं वह लार्ज फैमिली कहलाते हैं. अब हम पढ़ेंगे अंकल आंट और कजन कौन होते हैं. ब्रदर ऑफ आर फादर एंड मदर आर कॉल्ड अंकल. हमारे माता पिता के भाई कौन कहलाते हैं? हमारे अंकल, जिन्हें हम चाचा और मामा कहते हैं. सिस्टर्स ऑफ आर फादर एंड मदर आर कॉल्ड आंट. माता पिता की बहनें हमारी आंट लगती हैं, जिन्हें हम बुआ और मौसी कहते हैं. चिल्ड्रन ऑफ आर अंकल्स एंड आंट्स आर कॉल्ड कजन. हमारे अंकल और आंट के जो बच्चे होते हैं वो हमारे कजन्स कहलाते हैं, हमारे चचेरे और ममेरे भाई बहन कहलाते हैं. Now we will learn about grandparents. Grandparents कौन होते हैं?
पेरेंट्स ऑफ आर पेरेंट्स आर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे माता पिता के माता पिता, आपके पापा के पापा और पापा की मम्मी या मम्मी की मम्मी कौन कहलाते हैं? आपके ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी या दादा दादी। द फादर ऑफ आर फादर इज कॉल्ड ग्रैंड फादर, हमारे पापा के पापा हमारे दादा कहलाते हैं। द मदर ऑफ आर फादर इज कॉल्ड ग्रैंड मदर, हमारे पापा की माता हमारी क्या कहलाती है? ग्रैंड मदर, दादी कहलाती हैं। ग्रैंड पेरेंट्स लव एंड टेक केयर ऑफ अस, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं और हमारी देखभाल करते हैं। वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, हमें उनका सदा आदर करना चाहिए, अपने दादा दादी की बात माननी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। नाउ वी विल डू वन लिटिल एक्टिविटी। आई लिव इन अ लार्ज फैमिली स्मॉल फैमिली, आप अगर लार्ज फैमिली में रहते हैं तो आप इस स्टार में कलर करेंगे, अगर आप स्मॉल फैमिली में रहते हैं तो आप इस स्टार में कलर करेंगे। दिस एक्टिविटी यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ टाइम टू लुक ओवर, अ फैमिली प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ऑल फैमिली मेंबर्स, आर मदर एंड फादर आर आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमारे पेरेंट्स लगते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर इन अ फैमिली आर कॉल्ड सिबलिंग्स, द पेरेंट्स ऑफ आर पेरेंट्स आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे माता पिता के माता पिता हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। इन अ स्मॉल फैमिली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, इन अ लार्ज फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स अंकल आंट एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर। नाउ टाइम टू डू एस्टिमेशन कॉर्नर, एक्सरसाइज वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज करिए। आर ब्रदर एंड सिस्टर आर आवर, हमारे भाई बहन हमारे क्या लगते हैं? पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कजन्स या सिबलिंग्स, वो हमारे सिबलिंग्स लगते हैं। मदर एंड फादर आर आर, हमारे माता पिता हमारे क्या लगते हैं? चलिए इसका आंसर आप देंगे। यू आर राइट, वो हमारे पेरेंट्स लगते हैं। नंबर थ्री, पेरेंट्स ऑफ आर पेरेंट्स आर आवर, हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स हमारे क्या लगते हैं? कजन चिल्ड्रन ग्रैंड पेरेंट्स या नन ऑफ दीज, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स लगते हैं, दादा दादी या फिर नाना नानी। नंबर फोर एंड नंबर फाइव यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ टाइम टू डू एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स, अब आपको खाली स्थान को भरना है किसकी हेल्प से? बॉक्स की हेल्प से। बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको सही वर्ड को चुनना है और ब्लैंक्स को भरना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, ऑल ऑफ अस लिव इन अ, हम सब रहते हैं कहाँ रहते हैं? फैमिली, तो हम यहाँ लिखेंगे एफ ए एम आई एल वाई, फैमिली में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। माई ग्रैंड फादर इज माई फादर, हमारे जो ग्रैंड फादर होते हैं दादा हैं, वो हमारे फादर के क्या लगते हैं? वो हमारे फादर के फादर लगते हैं, पिता के पिता। नंबर थ्री, द मदर ऑफ आर फादर इज कॉल्ड, पापा की मम्मी आपकी क्या लगती है बताइए? वो आपकी दादी लगती हैं, जिन्हें हम ग्रैंड मदर कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जी आर ए एन डी ग्रैंड मदर, एम ओ टी एच ई आर मदर। नंबर फोर यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है कि वो सही है या गलत। जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए आप ट्रू लिखेंगे, जो गलत है उसके लिए आप फॉल्स लिखेंगे। नंबर वन, अ फैमिली विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली,
वो परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं वो स्मॉल फैमिली छोटा परिवार होता है। यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हम यहाँ लिखेंगे टी आर यू ई ट्रू। नंबर टू, वी लिव विद आवर फ्रेंड्स इन आवर फैमिली। हम परिवार में अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ ए एल एस ई फॉल्स। नंबर थ्री, अ फैमिली विद ग्रैंड पेरेंट्स इज अ बिग फैमिली। जिस परिवार में दादा दादी भी हमारे साथ रहते हैं वो लार्ज फैमिली होती है। यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम यहाँ लिखेंगे टी आर यू ई ट्रू। नंबर फोर, वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स। हमें सदा अपने दादा दादी नाना नानी का आदर करना चाहिए। यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम यहाँ लिखेंगे टी आर यू ई ट्रू। नाउ एक्सरसाइज डी, मैच द फॉलोइंग कॉलम। अब हमें सही मिलान करना है। दो कॉलम दिए हुए हैं, उनको पढ़िए और मिलान कीजिए। सबसे पहला है फादर्स फादर, पापा के पापा हमारे क्या लगते हैं, कजन आंट ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर। तो फादर के फादर हमारे ग्रैंडफादर लगते हैं। फादर्स मदर, आपके पिता की माता आपकी क्या लगती है, ग्रैंडमदर। तो हम इसे डी से मिलाएंगे। नंबर थ्री, आंट्स डॉटर, आपके चाची या मामी की बेटी आपकी क्या लगती है, आपकी कजन लगती है। नंबर फोर, मदर सिस्टर, आपकी मम्मी की बहन क्या लगती है आपकी, वो आपकी आंट लगती है। सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न्ड अबाउट फैमिली। हमने स्मॉल फैमिली और बिग फैमिली के बारे में पढ़ा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.